कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। देशभक्ति गीत की लाइनें आज अयोध्या जनपद के ग्रामीण अंचल स्थित श्री राम बल्लभ भगवंत विद्यापीठ इंटर कॉलेज देवड़ी के प्रांगण में साकार हो उठी, जब आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में शत शत नमन कार्यक्रम ने आकार लिया और एनसीसी के 65 यूपी बटालियन के साथ साथ 1 यूपी इंडिपेंडेंट गर्ल्स बटालियन ने विभिन्न युद्धों में प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों के 18 वीरांगनाओं व वीर सपूतों को सम्मानित किया। सम्मान में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वहस्ताक्षरित स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत पर भावनात्मक प्रस्तुति से उपस्थित लोगों के हृदय में देशभक्ति का जज्बा पैदा कर दिया। सम्मान से अभिभूत शहीदों के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह पहला अवसर है कि किसी प्रधानमंत्री ने हम सबकी सुध ली है और साथ ही सम्मानित भी किया है। आज हमें अपने परिवार के शहीद पर एक बार फिर गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। एनसीसी के अधिकारियों ने कहा, प्रधानमंत्री की साफ मनसा है कि उन जवानों के परिजनों को भरपूर सम्मान मिले जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा है वो आज़ादी के स्वर्णिम 75 वर्ष जो चल रहा है कार्यक्रम, उसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शत शत नमन का कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस शत शत नमन कार्यक्रम का जिम्मेवारी एनसीसी डायरेक्टरेट को और उसके बाद एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज को दी गई और उसको क्रियान्वित करने के लिए मैं 65 यूपी एनसीसी बटालियन का कमान अधिकारी यहाँ पर आज हमने अपने 12 वीरांगनाओं को या उनके सपूतों को या उनके परिजनों को वो स्वहस्ताक्षरित स्मृति चिन्ह जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भिजवाया है और उन पर उनका नाम भी अंकित है उनको प्रस्तुत किया। साथ में भोजन की व्यवस्था और सम्मान की व्यवस्था भी की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपने वीरांगनाओं को या वीरों को, वीर सपूतों को जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, सन 62 की लड़ाई, सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई, उन लोगों को हम भूले नहीं हैं और ये बहुत बड़ा पहल है। आज तक इतने वर्षों की आज़ादी में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ होगा, मैं अपनी पूरी सर्विस के दौरान ऐसा कोई कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा। ये कार्यक्रम हो सकता था जबकि जिला मुख्यालय के तौर पर ज़्यादा बढ़िया होती, पर चूँकि हमारे NCC कैडेट रह चुके हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इसलिए उन्होंने इसको NCC के थ्रू कराने का सोचा। आज प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जो शहीद परिवार के आश्रित वीरांगनाएँ माताएं का यहां पर सम्मान किया गया, इसके लिए 65 यूपी बटालियन के सारे अधिकारीगण, विद्यालय के हमारे शिक्षक साथी, सबका ये अथक परिश्रम था जिससे ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। विशेष रूप से हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम को विधिवत रूप देने के लिए CO साहब या हमारे विद्यालय के राकेश मौर्या जी, विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर राकेश दुबे जी, विद्यालय की ओर समस्त जो हमारे कर्मचारीगण लगे थे उनको, इस विद्यालय के परिवार की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इस कार्यक्रम को उन्होंने सम्मानित किया। साथ ही साथ हमें चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी एक निर्देश हो कि ऐसे जितने भी शहीद का परिवार है इनके बारे में, इनकी फ़ोटो, इनका इतिहास विद्यालयों में बताया जाए, एक दिशा निर्देश, एक मार्गदर्शन मिल जाए जिससे जो युवा वर्ग है इन शहीदों से सबक ले और अपने को गौरवान्वित समझे। आने वाले दिनों में ये विशेष रूप से मेरा जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से विशेष रूप से आग्रह रहेगा कि एक दिशा निर्देश हम लोगों को मिले जिससे प्रत्येक विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम संपन्न होता रहे।